Assalamualaikum. आज हम आपके लिए लेकर एक बेहतरीन पेशकश सुनो चंदा एपिसोड 7 पार्ट 1 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का एपिसोड। जिया घर पे वापस आ चुकी है, अरसल की शामत आ चुकी है बिकॉज दादी जान ने इनकी शादी कैंसिल कर दी है। इस वजह से अरसल बहुत ज्यादा खुश है, बट लेट्स सी कि आगे क्या होगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं देखते हुए। एंड आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं कि आप सब लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो उसके लिए। सो गाइस चलिए आगाज करते हैं। अम्मी हुआ क्या, कुछ बताएं तो सही। तो ऐसे समझो कि तुम्हारी किस्मत का ताला खुल गया। कौन सा? वो कैसे? बेवकूफ लड़की, कभी तो खुद कुछ देख लिया करो। बीजा ने अरसल और जिया की शादी पे इनकार कर दिया। जी तो यही इनकार अगर तुम्हारा इकरार हो जाए तो मेरी तो दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अम्मी ये कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं, बीजा ने जोर डाल के रिश्ता डलवाया था और अब खुद ही तोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अब क्या करना चाह रही हूँ। मैं तो सोच रही हूँ मौका अच्छा है, अभी जाके बीजान से बात कर लेती हूँ। जिया और अरसल की तो वैसे ही बनती नहीं है, बस खड़का दे किंजा और अरसल की शादी। लेकिन बाबा छोड़ो, दफा करो अपने बाप को, बीजा मिला ले। दफा करो अपने बाबा को। तो आप कहाँ दफा कर रहे हैं हमको इस वक्त? वक्त नहीं तो वक्त हम खुद अपने कानों से सुने हमने। क्यों गिंजा बचे? नहीं बाबा कुछ नहीं, मैं आई। अच्छा आप इधर आए ना, आपसे बात करनी है। बैठे बोलो। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं वो बस ऐसे। कहीं अंदर भी तुम्हारी शादी का फैसला तो नहीं चल रहा? ऐसा कुछ नहीं है। बीजान बोलते हैं ना इनको। साइड में कौन है? अच्छा ये जिया है। मोटू क्या कर रहे हो? पिज़्ज़ा सो रही है। मोटू इस दफा देखे तो आपको दिलकश नजारा दिखाने। दिलकश कैसा नजारा? दिलकश दिलकश देखे तो कितनी चमकती चमकती तो बिल्कुल है। इतनी गर्मी में तो मुझे धूप के नजारे कराओगे मोटू? तो अकल कर लो, इस दफा देखे तो सही। मेरा मुंडे नहीं, जाओ जाओ। आप भी बिजनेस का मामला है, पूरे 2 दिन बाद कस्टमर मिला है। कैसा कस्टमर? देखिए तो पता चलेगा ना भाई। ये बंदा बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा, बहुत बड़े डील्स करता है। अरे देखो तो सही, अरे देख लो ना इतने हद होती है भाई। भाई साहब कस्टमर बोले। अच्छा वो गुस्सा, वो सॉरी बोलेगा ना उसको। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये तुम्हारी आंखों में मोतिया उतर आया, ये तुमको ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा। क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया? ये तो बैका बैका बातें करता है, तुमको पागल खाने छोड़ा है। पहले जाकर अपना मुंह धो लो, तुम्हारा सांस जैसा भतीजा ही रह गया हमारा मासूम बच्चे के लिए। अच्छा वाला तो लड़का है और वैसे भी वो आपस में शादी तो करना चाहते नहीं।
तो तुमने सोचा अपनी बच्ची को सूली पे चढ़ा दो। वाह वाह, आपको तो तुम इस वक्त मां ही डायन लग रहा है। करोड़ों की जायदाद का अकलौता वारिस है वो लड़का। ठंडे दिमाग से भी सोच लिया करें। सोच लिया मुझे। हम लोग इधर एक मिनट भी नहीं रुकेगा। फौरन सामान मदर और निकलो यहाँ से। इस रोजे की हालत में कहाँ जाएंगे? हम नहीं, तुम दोनों भी हमारे साथ जाएगा। मैं तुमको हमारा बच्ची के मुस्तकबिल से खेलने नहीं देगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने जाना तो आप जाए, मेरे से कोई तवक्को ना रखे। ठीक है, तुम इधर ही बैठे रहो। हम अपनी बच्ची को लेकर जाएगा पेशावर अभी और इसी वक्त। तुम भी अपना सामान लो। पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बाड़ में जो तुम दोनों बकवास नहीं चाहिए हमको। अच्छा मर गया तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए। बैठा रहो अपनी माँ का पाँव पकड़ कर। तुम देखना ये तुम्हारा शादी उस लपंगे के साथ करेगा। प्यारा खुदा है गर्शवा। क्या बोल रही है? क्या होना है, सारा वक्त तो सड़े रहते हैं। और काम क्या है? सड़े रहते हैं। क्या मसला है? क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर? और मेरा 40,000 का सेल फोन प्लस ब्रांडेड बैग जिसमें 10,000 थे उसका क्या होगा? एक एक पाई चुका हमारी एक एक पाई। तुम जैसा इंसान अपना बुखार भी किसी को ना दे वो मुझे देगा 50,000 रुपए। ये बात है। जी लो मेरा एटीएम कार्ड, तुम्हारा और मेरा डेट ऑफ बर्थ का कोड है। याशी करो जिया, याशी करो। ये भाई तुमने शहरी में भांग तो नहीं पी ली? 20,000 के फैसले ने कुछ ऐसा नशा कर दिया। मेरी बात मानो, अब तुम भी भूल जाओ सारी पुरानी बात। और अगर मेरा कोई फिजिकल नुकसान हो जाता फिर? नहीं होता। सोचो कितनी दफा हमारी लड़ाई हुई है, हजारों दफा तुम्हें छोड़ कर आया हूँ कहीं ना कहीं। आज तक कुछ हुआ? कुछ हुआ होना भी देखा। क्या मतलब? इस लड़की की कुदरत तुम्हारे साथ है। जरा सोचो, अगर तुम इफ्तारी पर बगैर पूछे ना जाती, मैं चाची को ना भड़काता, हमारा झगड़ा ना होता, मैं तुम्हें सड़क पर ना छोड़ते रहता, तुम अस्पताल ना पहुंचती, तो बेचारी फैसला कैसे करती? बोलो बोलो। वैसे तुम वो तो काफी बेवकूफ इंसान, तुम्हारी बात नहीं सकता। ये भाई तो फिर बढ़ाओ दोस्ती का। आज तक दुश्मनी निभाई, अब दोस्ती निभाएंगे। वो भी तलाक की और मारपीट की यकीन तो है तेरा आपके साथ। तुम्हारी साजिश तो नहीं है कोई? तुम्हारे सर की कसम, हट यहां से, मर जाऊंगी मैं। यूज करूंगी नहीं ये। कर लो आज तो कुछ भी कर लो जिया, कुछ भी कर लो बेटा। उदास को अपने फैसले से हटाना सिर्फ नामुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। मुमताज है उनका नाम। राजान इसीलिए तो आपके पास आए हैं, प्लीज कुछ करें। आज ये बात भी इतनी छोटी तो नहीं है ना बेटा? मानता हूँ आपका जी, आखिर निकाह हुआ उसका जिया के साथ, कोई मजाक बात तो नहीं है। तो ये बात जाकर अपनी माँ को समझा दो, वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। दो तो हमें कमरे से निकाल चुकी है। हाँ राजान, जब से ना शादी की तारीख पक्की हुई है ना, हर रोज कोई नवा कट्टा खुल जाता है। हाँ तो ये नवा कट्टा तो इस दफा खोला भी जब मुमताज बेगम ने, बांधी की भी हुई। हेलो कौन? अरे बिल्लो कहाँ हो? शादी में शिरकत के लिए आ गए हो? वाकई लेने आना है या नजाकत को भेज? बोले कैंसल हो गई है, वापस चली जाए। अच्छा ठीक है बिल्लो जमाओ तुम्हारा अपना ही कर। हाँ। तो पंजाबी नाम है सच में। ना मुझे ये बताए कि बिल्लो को किसने कार्ड भेजा मेरे पुत्र के व्याह का? देखिए आप इसकी छोटी अगर ठीक कहती है बीजानी से झनकने को बेताब रहती है। अरे घर में मेहमान पे मेहमान आ रहे हैं और बीजान को रंग बिरंगी चीजें सूझ रही है, अब क्या होगा आगा जान? डिप्रेशन ना हो बस मुझे। और
अरसल मुझे बीजान की इस दूती रग के बारे में पता होता ना तो 6 महीने पहले ये सब कुछ हो चुका होता, इतना सब बर्दाश्त ही ना करना पड़ता। चलो देर आए तो उसको आए ना। अच्छा मुझे बताओ, वाकई पापा ने पूरे खानदान में फैला दी ना बात हमारी शादी कैंसिल होने की? ऐसी वैसी हर एक को फोन करके कहनी शादी कैंसिल, मुझे लग रहा है पापा हमसे ज्यादा खुश है। देख लो क्या नवा स्यापा पड़ गया यहाँ पे, हर बार कोई नवा कटा खोल जाता है। की हो गया माँ? वो आ रही है तुम्हारे बाप की साहब का मशूका नारोवाल से सीधी। मशूका? बिल्ला आंटी आ रही। अरे बिल्ला आंटी कौन सी, बिल्लो बांदरी क्या है उसको? और बाप के चेहरे पे लालियां देख रही थी उसकी कॉल सुनने के बाद। तो आ क्यों रही है वो तेरे ब्याह का जब्ता खाने के लिए? नहीं तो ब्याह तो कैंसिल हो गया ना, तो ये बात तू मुझे क्यों बता रहा है? उसको बताना। और इसके साथ बैठ के यहाँ पे क्या गिटमिट कर रहा था? इसने पहले कम रोल है तुझको खुआर किया है। मेरी बात उतरी उजला लंकल। कोशिश किया, एक मिनट भी नहीं रुकेगा इन जाहिलों का खानदान में। वो भाग किधर जा रहे हैं? जहन्नुम में। जहन्नुम में क्या हो गया है? दुलाल भाई कुछ रुपए सवेरे सवेरे किसने पैर रख दिया है? जरा सी बात पर मुंह फैला कर चले गए। चलो अच्छा ही हुआ टाइम से निकल गया। वो आ रही है बिल्लो बांदरी यहाँ पे। अरे बिल्ला आ रही है कब, कितने बजे? आपने मुझे बताया ही नहीं ना, मैं तुझे क्यों बताऊं? और बुरा वाक किसी से पूछ के आता है? अभी आ जाए कितना पुराना लाती भी यहाँ पे। एक तो खांसी की वजह से उसे हंसा भी नहीं आया। मैं माना ही जाए। सो गाइस ये था हमारा रिएक्शन ऑन सुना चंदा एपिसोड नंबर 7 पार्ट 1। बहुत इंटरेस्टिंग भाई, हंसा इसका गला खराब हो गया भाई मेरा, सच में गला दुख रहा है मेरा अभी तक। मेरे को इतनी तकलीफ होती है ना जब मैं हंसता हूँ खांसी में, बता नहीं सकता। नाक से पानी, गले से कुछ अलग, भाई क्या क्या होता मुझे भाई। तो मैं क्या करूँ, मैं हंसू के नहीं हंसू भाई। वो क्या जलाल अंकल, क्या डेंजर आदमी भाई, जहन्नुम में जा रहा हूँ। और ऊपर से वो अरसल की मॉम अलग है भाई। वो तो भाई उस सेम वो जो दादी है ना अपनी, चुपके चुपके में बेबे भाई, उनकी भी भाई पंजाबी में क्या क्या बोलती है भाई। बिल्लो बांदरी, ये तो बोले बिल्लो बांदरी भाई साहब, भक्तो भक्तो भाई मजा आता है देख के। अभी कल देखते हैं बिल्लो बिल्लो मैडम कौन है, बिल्लो मैडम की कल एंट्री होगी। उनके आने से पहले इतना हंगामा रहा, उनके आने के बाद तो क्या ही होगा, सब देखते हैं कल क्या होगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। सो वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में। शबा खैर, बाय, टेक केयर, सी यू।